गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माई फाउंडेशन क्लासेस। आज हम यहाँ देखेंगे 26 मई 2020 का करंट अफेयर्स, और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें हमें हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग 2019-20 में दिए गए इंपॉर्टेंट्स अवार्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मई। कब? 24 मई को। कौन सा दिवस? राष्ट्रमंडल दिवस। ये दिवस रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और रानी विक्टोरिया का जन्म कब हुआ था? 24 मई 1819। कब? 24 मई 1819 में। 1819 में रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था, और इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस। और यहाँ ऑप्शन में कुछ डेट है, तो जो भी डेट आता है उससे रिलेटेड मैं आपको दिवस रिविजन करा देती हूँ। तो पहला है आपका 23 मई। तो 23 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया, यानी कि विश्व कछुआ दिवस। और फिर है 18 मई। तो 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। और फिर 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस हर साल मई में तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इस बार 16 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो रीस्टार्ट प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। तभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, उसका नाम है रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को फिर से स्टार्ट करना और कार्यात्मक बनने में हेल्प करना है। किसने स्टार्ट किया है? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। कौन है? जगमोहन रेड्डी। और वहां के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर किनको नियुक्त किया है? ये किया है आभास झा को। किसको? आभास झा को। तभी वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। किसको? आभास झा को। आभास झा को प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक ने। और यहाँ आपका वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने COVID-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने COVID-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने का घोषणा किया है? ये किया है केनरा बैंक ने। किसने? केनरा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2020 के भारत के 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत के 50 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ये हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तभी एक सर्वेक्षण के आधार पर 2020 के भारत के 50 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी हैं। और ये सर्वे किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है फेम इंडिया मैगजीन और इंडिया पोस्ट ने मिलके किया है। किसने? किसने? फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट ने मिलके ये सर्वे किया है, और इसमें भारत के 50 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर हैं। और दूसरे स्थान पर हैं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, और तीसरे स्थान पर हैं अमित शाह, और बिहार के CM नीतीश कुमार 14वें स्थान पे हैं इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली 3D न्यूज़ एंकर लॉन्च कर दी है? तो दुनिया का पहला 3D न्यूज़ एंकर किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। अभी चीन ने दुनिया की पहली 3D न्यूज़ एंकर लॉन्च कर दी है। चीन की एक न्यूज़ एजेंसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली अपनी पहली 3D न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। ये 3D एंकर आम एंकर की तरह ही हिलडुल सकती है और न्यूज़ के मुताबिक एक्सप्रेशन भी चेंज कर सकती है। किसने किया है? चीन ने। तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। करेंसी है रेनमिनमी और युआन, और यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं Xi Jinping, और यहाँ के PM हैं
ली किकियांग। क्या नाम है? ली किकियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए कौन सी टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयर जियो टेक्सटाइल्स, कोयर जियो टेक्सटाइल्स। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कोयर जियो टेक्सटाइल्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जानवी फुकन को। किसको? जानवी फुकन को। तभी जानवी फुकन को किसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? फिक्की के महिला संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ओडिशा के लिए राहत पैकेज का घोषणा किया गया है कितने करोड़ रुपए का? ये किया गया है 500 करोड़ रुपए का। कितना? 500 करोड़ रुपए का। और पश्चिम बंगाल के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का घोषणा किया है। तो ओडिशा के लिए 500 करोड़ और पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो अभी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। किसके अनुसार? फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार। और ये नाओमी ओसाका ये कहाँ की हैं? तो ये जापान की हैं। कहाँ की? जापान की। और ये टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की फुडोल पहल को कोविड 19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया गया है? तो खुडोल पहल ये किस राज्य का पहल है? यह है मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। और अभी संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को कोविड 19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया है। ये खुडोल पहल एक एनजीओ की पहल है जिसे या ऑल कहा जाता है। एनजीओ ने इस पहल के तहत LGBTQ समुदाय के लोगों को दैनिक वेतन भोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को खाना, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की। और अभी इसी पहल को संयुक्त राष्ट्र ने शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया है। तो ये आपको याद रखना है, खुडोल पहल किस राज्य का है? यह है मणिपुर का। और यहाँ है आपका मणिपुर। तो मणिपुर के भी CM है एन वीरेन सिंह और वहाँ की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में किस बैंक को अपनी 30% हिस्सेदारी को बनाए रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तभी IRDA ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में किस बैंक को अपनी 30% हिस्सेदारी बनाए रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? ये दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसको? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश खिलाड़ी अर्टिज अदुरीज ने संन्यास लेने का घोषणा किया, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो अर्टिज अदुरीज ने भी संन्यास लेने का घोषणा किया है, ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे? फुटबॉल से। अर्टिज अदुरीज फुटबॉलर और एथलेटिक्स बिलबाओ स्टाकर हैं और इन्होंने भी संन्यास लेने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो अभी एक हॉकी प्लेयर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है बलवीर सिंह। क्या नाम है? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह एक हॉकी प्लेयर थे और अभी इनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया 25 मई 2020 को। और यहाँ ऑप्शन में कुछ नाम है तो इन लोगों का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है, जैसे कि एस्ले कपूर ये एक टेनिस प्लेयर थे और इनका भी अभी निधन हो गया है। ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। और ऑप्शन सी में आपका राजेंद्र प्रसाद सिंह ये झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री थे और इनका भी अभी निधन हो गया है। और ऑप्शन डी में आपका मोहित बघेल। तो मोहित बघेल एक एक्टर थे और इन्होंने सलमान खान के साथ भी काम किया था। सलमान खान की फिल्म रेडी में इन्होंने अमर चौधरी का किरदार निभाया था और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने अगले 5 वर्ष में कितने करोड़ के कुल अनुमानित निवेश के साथ मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी है? तभी कैबिनेट ने मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना को मंजूरी दे दिया है। कितने करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ?
तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 20,050 करोड़। कितना? 20,050 करोड़। तभी कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों में 20,050 करोड़ के कुल अनुमानित निवेश के साथ मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी है। और अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भी 500 करोड़ रुपए के पैकेज का घोषणा किया है। कितना? 500 करोड़ किया है। किस चीज़ के लिए? मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए। और कल ये क्वेश्चन था आपका, ओपन स्काई संधि से कौन सा देश बाहर हो रहा है? तो ओपन स्काई संधि से अभी बाहर हो रहा है अमेरिका। इसमें कुछ बच्चों को डाउट था कि ये संधि 1992 में हुआ या 2002 में हुआ। तो 1992 में इस संधि पे साइन हुआ था, लेकिन कुछ देशों ने ही इस संधि पे साइन किया था। उस टाइम में रूस ने इस संधि पे साइन नहीं किया था, रूस ने बाद में इस संधि पे साइन किया और 1 जनवरी 2002 को ये लागू हुआ। आई होप अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका, लॉरियस अवार्ड 2020 बेस्ट स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे मिला? तो लॉरियस अवार्ड 2020 बेस्ट स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। किसको किसको? लियोनेल मेसी, लुइस हैमिल्टन। लियोनेल मेसी, लुइस हैमिल्टन, इन दोनों को लॉरियस अवार्ड 2020 में बेस्ट स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर दिया गया है। और लियोनेल मेसी ये किस खेल से रिलेटेड हैं? ये फुटबॉलर हैं। और लुइस हैमिल्टन F1 ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस अवार्ड 2020 बेस्ट स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो 2020 में बेस्ट स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, किसको दिया गया है बताइए। तो ये दिया गया है सिमोन बाइल्स को। किसको? सिमोन बाइल्स को। और सिमोन बाइल्स ये कहाँ की हैं? ये अमेरिका की हैं और ये जिमनास्ट हैं। नेक्स्ट है, लॉरियस सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो लॉरियस सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को। क्या दिया गया है? लॉरियस सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 से किनको सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है दिव्या कनाड को। किनको? दिव्या कनाड को। कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड। कौन से ईयर का? 2019 का। नेक्स्ट है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से किनको सम्मानित किया गया? तो मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 किनको दिया गया है? ये दिया गया है सतीश रेड्डी को। सतीश रेड्डी को 2019 का मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिया गया है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने मिसाइल सिस्टम अवार्ड के लिए सतीश रेड्डी को चुना है। और ये सतीश रेड्डी ये कौन है? ये DRDO के अध्यक्ष हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।